फ्रेंड्स, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड चीज़ें होती है जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी प्राइस जान सकते हैं, उसका यूज़ क्या है और उसे असल में क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप आसानी से जान सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है कैम फाइंड। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जैसे इसे डाउनलोड करके फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे और फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा स्किप ट्यूटोरियल का, तो आपको वहाँ से जो है इसे स्किप कर देना है। इसके बाद जो है आपका कैमरा जो है तुरंत ओपन हो जाएगा। तो आपको जो है अपने कैमरे के सामने उस चीज़ को रखना है जिसे जो है आप नहीं जानते, यानी कि आपको जो है जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है उसे, उसका फ़ोटो खींचना है। तो मान लीजिए कि एक अनआइडेंटिफाइड चीज़ है, तो मैं इसका यहाँ पर फ़ोटो ले रहा हूँ। और आप जैसे इसका फ़ोटो लेंगे तो आपका इमेज अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी ही देर में जो है आपका इमेज अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है दोस्तों इस एप्लीकेशन में, और आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। तो ये जो है रेकोगनाइज करना है कि ये चीज़ है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेकोगनाइज हो चुका है कि ये जो है एक स्पूल है, यानी कि इसका जो उपयोग है ये शेविंग मशीन में होता है जिस पर जो है धागा लपेटा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसकी प्राइस जो है ये भी यहाँ पर दिखाया गया है, और नीचे जो है वीडियोस भी दिए गए हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो है इसका डिटेल आ गया है। इसके बाद जो है मैं आपको एक दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। मेरे पास जो है एक एडेप्टर है, हम देखेंगे इसका स्पेसिफिकेशन ये एप्लीकेशन सही दिखाता है या नहीं। तो मैं जो है यहाँ से इस एडेप्टर को इसका फ़ोटो लूँगा। दोस्तों, ये एक ख़ास तरह का एडेप्टर है, मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी ही देर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ़ोटो जो है अपलोड हो रहा है। और हमारा फ़ोटो जो है अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन रेकोगनाइज कर रहा है कि ये चीज़ असल में है क्या, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका प्राइस क्या है, सारा कुछ जो है यहाँ पर ये रेकोगनाइज कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर एडेप्टर विथ यूएसबी पावर केबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पावर एडेप्टर है जहाँ पर दो यूएसबी के स्लॉट होते हैं, या आप जो है एक साथ दो मोबाइल जो है चार्ज कर सकते हैं दो यूएसबी केबल लगा के। तो ये दोस्तों जो है बिल्कुल सही है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर जो है ऊपर आप देख सकते हैं दो यूएसबी के स्लॉट दिए गए हैं, आप एक साथ जो है दो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे जो है इस एप्लीकेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट आ गया है कि ये जो है सही स्पेसिफिकेशन दिखाता है। मैं आपको आखिरी एक जो है चीज़ आइडेंटिफाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक वाइट डेटा केबल है दोस्तों, ये तो जो है नॉर्मल से चीज़ें हैं। आप जो है ऐसी जो है क्रिटिकल जो चीज़ें आपको ज़्यादा ही, यानी कि किसी मशीन टूल को भी जो है आप यहाँ पर फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। हाल ही में मेरे पास ऐसा कोई टूलिंग है नहीं, तो मैं आपको जो है सिंपल चीज़ें यहाँ पर आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेकोगनाइज हो चुका है हमारा इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर में रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं केबल, आप देख सकते हैं यहाँ पर MI का वाइट USB केबल दिखा रहा है, और ये बिल्कुल सही है, ये मेरे MI के फ़ोन का जो है वाइट डेटा केबल है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो है किसी भी टूलिंग का जो है प्राइस जान सकते हैं, कहाँ से इसे ख़रीदना है, उसका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आप जान सकते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही काम की है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए,
और हमारे नए दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हम ऐसा कुछ नया सीखें तो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ।